हर फैमिली का यही फोन था स्टार्टिंग का, नोकिया। तो ये ऐसे करके खुलता था, ये नोकिया का सबसे छोटा फोन है, देखो ये उंगली के बराबर था। सिद्धू मूसे वाला भाई के पास था ये वाला वर्चू, तो मैंने लिया था। तो यो मेरे जिगर के, चलो कैसे आप सब, और आप देख रहे हैं गौरव सुन, ओ ये भागा इंट्रो सुनते ही भाग गया। क्या बना रहा है राजू भाई? कढ़ी चावल बना रहा हूं। तो भाई अभी क्या है, अभी थोड़ी कटिंग करानी है, आईब्रो बनानी है। दिलशाद आया, क्या हाल है भाई? बढ़िया। चल भाई कटिंग कर दे यार। गाइस मैं नहा धो लिया हूँ और जब तक राजू बना रहा है खाना, अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ मेरा मोबाइल कलेक्शन, जो मैं बचपन से कलेक्ट कर रहा हूँ, जो मैंने और मेरी फैमिली ने बचपन से चलाए हैं और पैसे जोड़ जोड़ के मैं लाया हूँ। बहुत यूनिक कलेक्शन, उसमें न्यूजीलैंड US की मोबाइल जो बहुत पुराने पुराने आते थे ना, वो सारा कलेक्शन अभी दिखाता हूँ। पोटली में है खजाना, जब तक इन सबको चार्ज करते एक बारी खजाना दिखाऊं क्या क्या। अबे ये क्या हो रहा है मम्मी, मेरे कंबल से देख रहे क्या निकल रहा है? पता नहीं क्या कंबल लिया है क्या? तो भाई ये देखो, और मंगलसूत्र भी टपक रहा है। ये देखो एक झलक दिखाया था, टडा। तो ऐसा है, अभी सबको ना चार्जिंग पे लगाता हूँ और देखता हूँ कौन कौन से सेट वर्किंग है। अभी हम आ गए हमारी छत पे और मेरे मोबाइल का कलेक्शन एक बार ये देखो, सबसे सस्ते फोन से लेके सबसे महंगा फोन 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स से तो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आपने ऐसा कलेक्शन पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा गाइस। पुराने से चालू करना चाहूंगा कि मेरे पास स्टार्टिंग में कौन कौन से फोन थे, और मम्मी कौन से यूज करती थी, पापा कौन से यूज करते थे, मैं कौन सा यूज करता था। ऑलमोस्ट ये हमारा स्टार्टिंग फोन ये था, हर फैमिली का यही फोन था स्टार्टिंग का, नोकिया। इनका मॉडल नंबर तो याद नहीं है मेरे को। तो अभी कुछ कुछ फोन चार्ज नहीं हो रहा और कुछ कुछ फोन वर्किंग है, तो ऑन करके भी मैं दिखाने वाला हूँ। और ये चार पांच बदल दिए हमने, दो तीन तो चोरी भी हो गए डैडी के, बाकी एक पड़ोस तो नहीं दिखा रहा। फिर उसके बाद अपन ने लिया नोकिया का ये वाला, करीब 12,000 रुपए का लिया था हमने, वो भी पता नहीं कहां मिल नहीं रहा अभी। स्टार्टिंग में फिर लिए थे हमने 3 ब्लैकबेरी थे, और दो तो ब्लैक कलर के थे, और ये मैंने लिया था सेकंड हैंड। ये है बोल्ड, ये व्हाइट कलर का बोल्ड है, इसकी बैटरी में इशू था, मैंने सेकंड हैंड खरीदा था 20,000 रुपए। इसमें पीछे आपको फ्लैश देखने को मिलेगी, ये कैमरा था, कैमरा इसका डिसेंट था, और इसकी यहाँ से बैटरी खुलती थी, अभी इसमें बैटरी नहीं है, पता नहीं कहाँगी इसकी बैटरी। ये ना टच है, ये देखो टच, ये जॉयस्टिक थी इसकी टच, तो ये ऐसे चलता था, यहाँ पे वॉल्यूम के बटन मिल जाते। फिर ये मैंने कॉलेज के, जब मैं सेकंड फर्स्ट ईयर में था, यानी कि 2013 की बात है, तब मैंने मेरे दोस्त से लिया था, वो US से लाया था। ये है गाइस टी मोबाइल, इस सेट का नाम है साइड किक टी मोबाइल, और ये खुलता ऐसे था, ये देखो इसको ऐसे करोगे, सॉरी हाँ उल्टा, तो ये ऐसे करके खुलता था, और यहाँ पे ये कीपैड है, फिर ये जॉयस्टिक थी, ये देखो जॉयस्टिक गोल गोल घूमती है, और ये कॉल उठाने का, ये उठाने का ये काटने का, और ये बाकी मेन्यू के बटन है। और पीछे देखोगे इसके तो टी मोबाइल साइड किक 2008 का मॉडल है। इसकी ना ये दो बॉडी आती थी, एक तो ये थी ग्रीन और एक थी ब्लैक, ये देखो ये ब्लैक दो बॉडी थी, तो मैंने ब्लैक उतार दी। यहाँ सिम लगती है इसके, और मेमोरी कार्ड यहाँ लगता है, ये देखो। तो ये चार्जिंग वाली वायर मेरे को मिली नहीं, और यहाँ भी इसके बटन है, ये देखो यहाँ भी बटन है, ताकि आप गेम खेलो तो यहाँ भी इससे ही बटन दबा सकते हो। ये हेडफोन का है, तो इसकी वीडियो मैं YouTube से निकाल के डाल दूंगा, तो आपको पता लगेगा कलर डिस्प्ले इसका। मैंने ये लिया था नोकिया का, ये भी रफ एंड टफ सेट है, सॉलिड था ये उस समय, 10,000 रुपए लाए थे पूरे सिटी वॉक मॉल से, वो अभी भी सही है, बट इसके बटन उखड़ गए, लेकिन रफ एंड टफ है ये देखो। तो मेरी जो YouTube की जर्नी चालू हुई थी वो इस सेट से चालू हुई थी, सैमसंग S5 से। तो ये मम्मी के पास था, तो इसके पीछे बहुत कहानी है, मेरे पे मोबाइल नहीं होते थे, तो मैंने कहा कि यार मम्मी मेरे को चोर बाजार मोबाइल लेने जाना है, तो मम्मी ने कहा ठीक है तुम मेरे मोबाइल से वीडियो बना लियो, मैं वीडियो बनाई थी चोर बाजार में। तो इसमें आप देखोगे मतलब फ्लैश आता था, ये मेरे को सेल में पड़ गया था 15-16,000 रुपए। हमने S3 वापस दे के लिया था, S3 नहीं था, हम पे S5 था, S3 भी था, S3 वापस लिया था, स्क्रीन टूट गई, हाँ स्क्रीन बनवाई थी, तो स्क्रीन बनवाई थी उस टाइम, सबसे बेस्ट कैमरा इसी में आता था, 22 मेगापिक्सल का, सैमसंग का सबसे महंगा कैमरा इसमें ही था। 6S प्लस लिया था ये वाला, ये देखो ये 256 GB है, ये अभी भी वर्किंग है, परफेक्ट कंडीशन में है, ये देखो ये चार्ज करा मैंने, फुल चार्ज हो गया, ये तो सभी जानते हैं इसको, एक स्क्रैच नहीं है इस पे। पेटीएम मनी पहले ये लिया था, फिर इसके बाद iPhone 7 लिया था, वो फिर मैंने रिप्लेसमेंट में फिर ये ले लिया था, मैंने एक्सेस मैक्स, ये मम्मी को दिया था, ये मैंने यूज़ करा था एक्सेस मैक्स, फिर मम्मी को दे दिया। ये भी 256 GB है, ठीक है, ये अभी भी वर्किंग है, अभी मम्मी चला ही रही थी इसको, अभी दो दिन पहले ही मम्मी ने 13 प्रो मैक्स ले लिया, ये मैंने गिफ्ट करा था, तो ये 13 प्रो मैक्स 256 GB ये भी है अपन पे, इससे मैं अभी ब्लॉग बनाता था एक महीने पहले तक,
ठीक है, तो ये हो गया आईफोन 11 प्रो मैक्स। ये अक्षत का है 14 प्रो। आईफोन में मेरे पे 11 प्रो मैक्स था, ये भी मैंने बहुत यूज करा है, व्हाइट कलर का, बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाया था जब शॉर्टेज थी। अभी क्या है, इसकी स्क्रीन टूट गई है तो ये ऑन नहीं होता। अक्षत भाई साहब इसको लेके स्विमिंग पूल में चले गए, अंडर वाटर शॉट ले रहे थे कि उन्हें लगता था वाटर प्रूफ है, और वहीं से खराब हो गया भाई। हाँ, लिखते एप्पल वाले लिखते भी है, वो होता नहीं है बेवकूफ बनाने के बाद। अंदर जाके ये ऐसा होता है, गया और तुरंत निकाल लिया। हाँ तो तुरंत ही निकाला था मैंने, अंदर थोड़ी डीप लिए तो ऊपर से लिया ना। 256 GB में लेता था मैंने पहली बार, 1 TB लिया जिससे अक्षत शूट कर रहा है 14 प्रो मैक्स, उसका रिसेंटली ब्लॉग भी डाला था मैंने। ये लावा, ये अक्षत ने लिया था, अक्षत का डैडी का, डैडी का ये, ये डैडी का है, लावा का 4-5 हज़ार रुपए वाला। ये भी खराब है, ये भी टच था इसमें, देखो इस पे कीपैड है ना, टच है, ये देखोगे तो कोई वैसा फिजिकल नहीं है, सिर्फ टच है। इसके बाद जियोनी का लिया था, ये किसका, ये मेरा है, ये भी मेरा है। ये अक्षत का सबसे पहले फोन है ये, देखो जियोनी का। कितने का लाया था ये? 5-7 हज़ार रुपए का था, 9,000 का था, 7 हज़ार रुपए का था, 7,500 कुछ का था। ये देखो पीछे स्पीकर है, ये लिया था मैंने। फिर ये अक्षत का दूसरा फोन है, ये MI का है, MI का है, Note 5 Pro है ये, Note 5 Pro। तो भाई ये देखो, ये पीछे ऐसे ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है। हाँ। तो ये भी वर्किंग है, देखो ऑन है पूरा। ये सेकेंडरी फोन है मम्मी का। अच्छा अच्छा, ये सेकेंडरी फोन है मम्मी का, मम्मी पे दो फोन है। अब आते हैं जो यूनिक फोन है, ये केचड़े के मैंने एक वीडियो के लिए लिए थे, ये देखो, ये रहा एक केचड़ा, एक ये रहा केचड़ा, ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फोन है, ठीक है। केचड़े, केचड़े ही नाम है लिखा तो है, केचड़ा ब्रांड है ना। और ये देखो एक ये सील पैक है, तो ये मैंने काटे थे, जलाए थे, तो ये आप YouTube पे व्लॉग डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इन सारे फोनों के जो जो वीडियो बनाई देखना। बड़ी सेटिस्फाइंग सी साउंड आती है, तो ये वर्किंग है, ये देखो, ये है भाई, ये देखो इसमें कैमरा भी है केचड़ा में, इस वाले केचड़ा में भी कैमरा है। और ये नोकिया का सबसे छोटा फोन है, देखो एक उंगली के बराबर, बट ये ओरिजिनल नोकिया नहीं है, चाइनीज नोकिया है। जब मैंने ये दिखा था सिद्धू मूसे वाला भाई के पास था, ये वाला वर्चू, तो मैंने लिया था, ये ओरिजिनल नहीं है, ये भी कॉपी है, बट काफी अच्छा है ये, देखो इसको ऑन करते हैं आज, ये देखो इसको ऑन करते हैं। वर्चू तो भाई ओरिजिनल कंपनी शायद बंद हो गई, और बहुत महंगे महंगे फोन है, देखो फोन आते प्योर गोल्ड आते हैं ना। हाँ, तो ऐसे करके ऑन होता है ये, बैक करेंगे बैक, तो भाई ये सिम नहीं है इसमें, अभी मेन्यू देख लो, कॉल लॉक सेटिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ये वो यही है बस, बेसिक फ़ोन है। और पीछे से ऐसा दिखता है ये देखो, और ये चार्जिंग स्लॉट मिल जाएगा पीछे, ये VGA कैमरा है, बहुत बेकार सा कैमरा है। ये मैंने अभी रिसेंटली लिए थे 3 पीस, तो अभी ये मैं इसको यूज़ करूँगा, इसमें सिम डालूंगा, ये मैं अपना पर्सनल यूज़ करूँगा, क्योंकि इसकी बैटरी खत्म नहीं होती है। मैं पहाड़ों पे जाता हूँ ना, तो मेरे आईफोन की बैटरी चली जाती है, तो मैं एक ये फ़ोन अपनी सिम डालूंगा, इसके लिए सिम लेके आऊँगा, कल ही लेके आऊँगा सिम इसके लिए। ये है एक गेम पैड, इसका नाम है JDX सिंगुलैरिटी, ये देखो पीछे लिखा हुआ है ना, तो भाई पीछे से कुछ ऐसा है, सामने से कुछ ऐसा है। ये इसकी स्टोरी बता दूं, जब मैं YouTube पे आया ना, एक दो साल बाद मैंने प्रमोशन ढूंढने चालू कर दिया, तो मेरे पे रिव्यू यूनिट्स आती थी, तो डॉलर को देखो, डॉलर क्या करना, डॉलर डॉलर बात करता मम्मी के पास आया सीधा, देखो 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 कैसे कर रहा है। क्या प्राणी है तू भाई, घास खाता अब घास खा लिया, अब उसने उल्टी करेगा। कुत्ते ना जब घास खाते हैं, जब घास से ना इनका पेट साफ हो जाता है, फिर ये करते हैं वॉमिट, वॉमिट से सारी गंदगी निकल जाती है, अब ये वॉमिट करेगा। तो भाई ये है इसका बॉक्स, और अब दिखाता हूँ कि इसके बॉक्स में क्या क्या मिला था मेरे को, तो आओ पास आओ अक्षत भाई। तो ये है इसका बॉक्स, ये है गेमिंग पैड, 4 GB रैम है इसकी, क्वाड कोर प्रोसेसर है, 7 इंच की डिस्प्ले है, 4 GB रैम है, 5 MP का फ्रंट कैमरा है, 10,000 mAh की बैटरी है, 3D गेमिंग, बटन मैपिंग, एंड्रॉइड 5.1 किटकैट। ये आई थी स्पॉन्सरशिप से आया था मेरे को, कि इसका रिव्यू करना था, मैंने रिव्यू करके यूट्यूब पे डाला है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज है। तो इसमें जॉयस्टिक्स मिल जाएंगी, ठीक है, ये आपको ये सारी जॉयस्टिक, ये भी जॉयस्टिक, और ये मेन्यू का बटन, ये बैक का, ये सेलेक्ट, ये स्टार्ट, और यहाँ पे पावर ऑन प्लस माइनस बटन, ये पता नहीं किससे, शायद TV से कनेक्ट करने का होगा, ये दो बटन ये जॉयस्टिक के, यहाँ पे दो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से चार्जिंग होती है, और यहाँ मेमोरी कार्ड लगता है, और ये है आपको ऑडियो जैक। कमेंट करके बताने कैसा था ये, ऑलमोस्ट 25,000 रुपए का है,
और इंडिया में तो ओनली वन इन इंडिया ये पीस है, और मैंने आज तक एक बार भी यूज नहीं करा, इस पर पन्नी लगी हुई है देखो, एक बार भी यूज नहीं करा मैंने, बस इसका रिव्यू करा था और घर पे ही पड़ा हुआ है। ये है केचड़े का गेमिंग गेम फोन, ये देखो तो इसमें आपको दिख जाएगा, कैमरा दिख जाएगा, और इसमें ना थोड़ा प्लास्टिक पार्ट ज्यादा यूज करा हुआ है। ये आपको ये सारे मिल जाएंगे, और ये आपको ये सारे बटन मिल जाएंगे, होम का बटन है ठीक है, ये गाने का बटन है, मेन्यू में ये सारे मल्टीमीडिया कॉन्टेक्ट गेम सेटिंग ऑर्गेनाइजर ये सारी चीजें मिल जाती हैं भाई साहब। ये देखो ऐसे ऑन होगा, इसकी साउंड बहुत सही है, हो गया ऑन, लो बैटरी प्लीज चार्ज। 6, 3, 2, 8, 7 लास्ट की दो चीजें और हैं मेरे पे, दो आईपैड और हैं, ये वाला अक्षत का, ये वाला मेरा ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है, ये देखो ये कीपैड के साथ है, 30,000 का तो कीपैड ही था और 70,000 रुपए का ये आईपैड था। ये है भाई आईपैड प्रो, और ये 1,00,000 रुपए का सौदा है इसका, तो बहुत महंगा था। इसमें मैं क्या न्यूज व्यूज पढ़ता हूँ, जितने भी मतलब मीटिंग्स में आता हूँ इसको लेके जाता हूँ आईपैड को। और ये है अक्षत का आईपैड, यूएसजी का कवर लगा रखा है इसमें हमने, जो सबसे हार्ड कवर होता है, मिनी आईपैड मिनी 5th जनरेशन। तो इसने काउंटर स्ट्राइक और ये वो खेलने के लिए रखा है, तो ये दो चीज और है। गाइस एक चीज और है, मैं 3 मोबाइल और दिखाना भूल गया था, वो ये है केचड़ा के ना, मैंने सारे फोन लिए थे, ये देखो ऑलमोस्ट मेरे पे केचड़ा के सारे फोन है, और ये देखो इसमें अभी चार्ज नहीं है, ये भी चार्ज नहीं है, तो ये भी केचड़ा है, ये देखो बहुत छोटा सा फोन है, ऑलमोस्ट 150 ग्राम के आसपास होगा ये वाला फोन। और ये वाला फोन भाई मैंने कभी चलाया नहीं है ठीक है, एलआरई का, ये भी चाइनीज है, एज इट इज किसी ने गिफ्ट करा था ये मेरे को। ये था कलेक्शन, आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना, और आपका इसमें से कौन सा फेवरेट फोन है या कौन सा आप अपने कलेक्शन में चाहते हो एक बार वो कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फटाफट से गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और मैं ना एक फोन गिव अवे करने वाला हूँ, ये साइड किक वाला, ये वाला फोन मैं गिव अवे करूंगा इंस्टाग्राम पे जब मेरे हो जाएंगे 7,10,000 फॉलोअर। तो फटाफट से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उसमें मैंने ये वाली पिक डाली है मोबाइल के साथ, इस पर कोई भी अच्छे से कमेंट कर देना, इन्हीं कमेंटों में से मैं एक विनर उठाऊंगा और उसको मैं अपना ये वाला फोन गिफ्ट करूंगा। तो भाई फटाफट से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, 7,10,000 फॉलोअर करा दो। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से गाइस मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर करा देना भाई, होने ही वाले, जस्ट होने ही वाले हैं, तो भाई ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।